हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पांडे, आपकी केमिस्ट्री टीचर, फिर से एक बार आपके साथ। हम लोग आज क्लास 11 का सिलेबस करेंगे और क्लास 11 में मैं दो ही क्लास ली थी और दो क्लास में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दी थी कि पहला तो आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, सेकेंड मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सा चैप्टर्स आपको कवर करना है केमिस्ट्री में क्लास 11 में, और थर्ड फिर हमने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में हमने मैटर्स के बारे में एंड कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में, और फिर हमने ये देखा था कि किस तरह से मेज़रमेंट्स और प्रिसीजन एक्यूरेसी हम देखते हैं या मेज़रमेंट्स हम किस तरह से करते हैं इन आवर केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, राइट, या फिर जो भी प्रैक्टिकल में आप मेज़रमेंट्स या फिर क्वेश्चंस करोगे वो आप कैसे करोगे, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस, जैसे कि हमने बात किया, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स, ठीक है। तो केमिकल्स अगर है यहाँ पे तो वो कोई भी कंपाउंड बनने के लिए दो एलिमेंट या दो केमिकल जो है दो उनको कंबाइन होना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ के कंबाइनिंग का प्रॉपर एक रूल होता है, प्रॉपर एक तरीके से ही वो कंबाइन कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, आप एग्जांपल लेते हैं हम H2O का, ठीक है, दैट इज़ आवर नॉर्मल लिक्विड, ठीक है, पानी। अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी के केस में जब हम H2O का देखते हैं तो इसमें अगर इसका आप ये एटॉमिक मास देखते हैं तो यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन कितना होता है मेरा 16, यानी 1:8, ठीक है। तो ओके, हम क्या देख रहे थे कि अगर हम यहाँ पे 1 मोल H2O लें चाहे 4 मोल H2O लें, ये जो रेशियो है कॉम्बिनेशन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दैट विल बी ऑलवेज सेम। ये इसमें भी मेरा उतना ही रेशियो रहेगा और इसमें भी उतना ही रेशियो रहेगा, यानी कि ये एक पर्टिकुलर मेथड, पर्टिकुलर रूल के थ्रू ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ये किसी भी तरह रिएक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। कमिंग टू द, हमने पढ़ना क्या है, तो टुडे वी विल, हमें यही देखना है कि ये केमिकल्स जो है वो किन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए कंबाइन करते हैं। तो वो सारे लॉज को डिफाइन करने के लिए जो लॉ हमें मिला है, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 प्रॉपर लॉज जो हमें बताता है कि किस तरह केमिकल्स, गैसेस, डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन करते हैं और क्या उनका पर्टिकुलर रूल है फॉर द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताता है। अब इसमें जब केमिकल्स कंबाइन करेंगे तो इन 4-5 रूल्स को फॉलो करेंगे। कौन कौन सा रूल्स है, फर्स्ट दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्बिनेशन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कॉम्बाइनिंग वॉल्यूम्स। वी विल डिस्कस ऑल द 5 1 by 1, क्लियरली, ओके। सो नोट इट डाउन, आई विल डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, देन वी विल स्टार्ट विद द अदर वन। वी विल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। इस चीज़ को आप लोगों ने क्लास 10 में या क्लास 9 में पहले भी पढ़ चुका है। ये क्या होता है, दैट इज़ इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बता रहा है कि जब भी कोई भी रिएक्टेंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जितना मास मेरा रिएक्टेंट का है वही मास कंजर्व हो जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। दैट मीन्स मास कैन बी, इस ये जो ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये आपने पढ़ा ही होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैं उतना डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, यू नो इट बेटर, ठीक है। अब ये होता कैसे है, जैसे यहाँ मेरा रिएक्टेंट है, ये जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो जितना मास मेरा यहाँ, अगर x ग्राम मास यहाँ पे रिएक्टेंट का है तो वही चीज़ प्रोडक्ट में x ग्राम में आएगा, ठीक है। एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। अगर हम एक या ये लेबोरेटरी में करके देखना, एक हम ये फ्लास्क ले रहे हैं प्रॉपरली सी पैक्ड, उसको उसमें हम कुछ आइस क्यूब्स डाल देते हैं और उसको हम पैक कर देते हैं। हम उस आइस क्यूब को वेट कर रहे हैं, वेट करके मेजरमेंट को हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे और उसको मेल्ट डाउन कर देंगे। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आइस को हमने क्या किया, हीट दिया, और हीट देने के बाद वो क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड, दैट इज़ वाटर,
वाटर में वो चेंज हो गया। तो वाटर में चेंज होने के बाद जब अगेन हम उसको मेजरमेंट करेंगे तो वो एक्यूरेट उतना ही मास आएगा जितना मेरा यहाँ आइस का था। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जितना मेरा डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है, तो इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो H2O का ही एग्जाम्पल लिए हम। H2O को हम ब्रेक करते हैं, क्या चीज़ में ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन + 1/2 O2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है मेरा कि जब भी हम H2O को ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा मेरा, या फिर H2, आप इसको H2 भी ले सकते हो, H2 + 1/2 O2। ठीक है, अब बैलेंस हो गया मेरा रिएक्शन। तो इस केस में जब हम इसका मास आप कैलकुलेट करो, जैसे H2O का मास क्या होगा, 2 + 16 दैट इज 18, इसका 18 ग्राम मास है। आपको मॉलिकुलर मास निकालने आता है, नहीं निकालने आता है, तो ये देखो H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे, वी हैव टू रिमेंबर एटॉमिक मास फॉर दिस। अब आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करना पड़ेगा, उसमें आपको एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। तो हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 1, तो 1 × 2, क्योंकि यहाँ 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ये 2 हम ले रहे हैं क्योंकि 2 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन का है। ठीक है, प्लस करेंगे, अब जो भी मेरा मल्टीप्लाइड है यहाँ पे उसको हम प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का हमें कितना पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, ये हो गया मेरा एटॉमिक मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ कैलकुलेट करो, यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या है, 2 हाइड्रोजन यानी 2 × 1 + 1/2 ओ कितना बताया था मैंने, 16 × 2 = 32, कट करो दैट विल बी 16, तो 2 + 16 दैट इज इक्वल टू कितना मास आया, 18 ग्राम। देखो यहाँ जितना मास था उतना ही मास मेरा यहाँ हो रहा है, चाहे वो डिकम्पोजिशन हो चाहे वो कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तुम्हारा हमेशा मासेस जो रहेगा दैट विल बी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड सेम होगा। क्लियर विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर है, वी विल कम टू द नेक्स्ट लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ मेरा कौन सा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन, या फिर इसको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन, या फिर इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं। डेफिनेट प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, मान लो घर में एग्जांपल लेते हैं कि आप चाय बना रहे हो, ठीक है, चाय बना रहे हो तो उसमें एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन होना ज़रूरी है, दैट इज़ चाय पत्ती का कितना रेशो और मिल्क का या फिर दूध और पानी का कितना रेशो है, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे अभी मैंने H2O का एग्जांपल बताया था, उसी तरह यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन क्या कहता है कि अगर कोई भी एक कंपाउंड जो दो डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हों उनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो 1 मोल ले, 2 मोल ले, या फिर चाहे वो किसी भी सोर्स से ले, चाहे जैसे वाटर का अगर बात करते हैं हम, तो चाहे वो लेक वाटर ले, चाहे वो अपना टैप वाटर ले, किसी भी लोकेशन का हम पानी लेते हैं, उसका जो रेशियो रहेगा बाय मास दैट विल बी ऑलवेज इन अ फिक्स्ड रेशियो दैट इज़ 1:8। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहता है कि अ केमिकल कंपाउंड कंपाउंड मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट विल ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, ये तो क्लियर है, बट इसका दो ये लिमिटेशंस कह लो, लिमिटेशंस भी है। व्हाट इज़ द लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन कि अगर आइसोटॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो, ठीक है, इसका लिमिटेशंस क्या हो गया कि व्हेन फर्स्ट दैट इज आइसोटॉप्स, अगर दो
आइसोटॉप्स क्या होता है? वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन, मेरे पास तीन तरह का कार्बन होता है, C12, C13, C14, ठीक है। डिटेल्स में आप इसको पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी के लिए ये समझो कि अगर कोई भी एलिमेंट जो कंबाइन कर रहा है, ठीक है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स बना रहा है, दो एलिमेंट्स बना रहा है बट दोनों के आइसोटॉपिक मास में डिफरेंस है, तो उस केस में ये रूल फॉलो नहीं होगा। सेकंड है, दैट इज तुम्हारा जब बात कर रहे हैं कि मे बी उनका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो बट फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। जैसे आप ले लो C2H5OH, क्लियर। अब इसी का दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, CH3OCH3, ठीक है। ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, तो इन दोनों में भी जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इस इन दोनों में भी रेशियो फिर डिफरेंट हो जाएगा मेरा, क्लियर है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। लेट्स डिस्कस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है, दैट इज थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है कि यहाँ प्रोपोर्शन का डिफरेंस हो रहा है जब मल्टीपल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं या मल्टीपल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या जब मल्टीप्लाइड, बेसिकली ये बोलो कि मल्टीप्लाइड कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन देखो ये क्या बोल रहा है कि व्हेन, जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है फॉर्म करने के लिए। जनरल सा एग्जांपल समझो पहले कि मान लो मेरा कार्बन है, ठीक है, कार्बन अगर कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है ऑक्सीजन से मिल करके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दो कंपाउंड बना रहा है, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CO, ये दो कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ पे जब क्या बोल रहा है कि जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से मिल करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाता है, ठीक है, और फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड मास में कंबाइन कर रहा है दोनों से, तो उस केस में ये जो सेकेंड एलिमेंट है उसका आपस में रेशियो हमेशा एक होल नंबर रेशियो रहेगा, क्लियर। देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है क्या, टू फॉर्म दो या दो से ज़्यादा केमिकल, टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का जो मास है विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, एलिमेंट ऑफ दिस एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, यहाँ भी एक ही कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन है, यानी कि फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से जब ये कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, तो हमेशा ये जो है आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो या सिंपल रेशियो बनाएंगे एक दूसरे के साथ। कैसे, देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन का कार्बन यहाँ पे कंबाइन कर रहा है एक ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 एटॉमिक मास। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का, तो ये कितना ऑक्सीजन हो गया, 32, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, 16:32, दैट इज 1:2, तो दैट इज ये जो है वो क्या बना रहा है, सिंपल रेशियो बना रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर का। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तब क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो दो कंपाउंड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद करो फॉर्मूला क्या होता है डाइऑक्साइड का और ट्राइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज SO3। तो यहाँ पे सल्फर क्या है, दोनों में फिक्स्ड मास के थ्रू रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो सल्फर 32, यहाँ पे ये देखो कि 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर फर्स्ट केस में कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। वहीं सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये SO2 के केस में, SO3 के केस में क्या हो रहा है, 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर कंबाइन विद किसके साथ, यहाँ पे
32 प्लस 16 दैट विल बी 48, तो 48 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों अगर फिक्स पार्ट में कंबाइन कर रहा है तो अब हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है, दैट इज 32:48, ठीक है। 16:2, 32, 16:3, 48, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा 2:3 का रेशियो, दैट विल बी सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब भी ये हमेशा जब भी कंबाइन कर रहा है सेम एलिमेंट से विथ डिफरेंट मासेस, बट द फर्स्ट एलिमेंट इज इन द फिक्स्ड मास, तो हमेशा ये सेकेंड एलिमेंट जो रहेगा आपस में एक फिक्स रेशियो करेगा। क्लियर है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा क्लियर कर लेना।